बच्चे की धड़कन कब आती है? जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत एक्साइटेड होती है अपने बच्चे की धड़कन सुनने के लिए। तो आइए आज हम यहाँ पे ये जानेंगे कि बच्चे की धड़कन कितने सप्ताह पर आती है, कौन से महीने में बच्चे की धड़कन सुनाई देने लग जाती है, और अगर ना सुनाई दे तो आगे हमें क्या करना है। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी। तो देखिए, बच्चे की धड़कन जिसे हम हमारी भाषा में FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट भी कहते हैं, या फीटल हार्ट साउंड FHS भी कहते हैं, यह सबसे पहले अपीयर कब होती है? देखिए, जब प्रेगनेंसी जो है वो तो डिटेक्ट आपको 4 से 4.5 हफ्ते पे ही हो जाती है, यानी कि आपका पीरियड मिस हुआ और मिस होने के 1-2 दिन बाद ही आप जब यूरिन वाला प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर ब्लड का टेस्ट किया जाता है बीटा HCG, उसमें रिपोर्ट आ जाती है कि प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी का डिटेक्शन तो 4 से 4.5 हफ्ते पे ही हो जाता है, लेकिन जो बच्चे की धड़कन है वह थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है। बच्चे की धड़कन आने में लगभग 5 हफ्ते के बाद जाके बच्चे की धड़कन आती है। यूजुअली यह समय 6 से 7 हफ्ते का होता है जब हम उसे सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर पाते हैं। बच्चे की धड़कन बच्चे के अंदर 5 से 6 हफ्ते के बीच में आ जाती है, लेकिन हमें पता 6 से 7 हफ्ते के बीच में चलता है, यानी कि जब डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट जब सोनोग्राफी करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर आपकी सोनोग्राफी करके देखता है, उसको बच्चे की धड़कन सुनाई दिखाई जब बच्चा 6 से 7 हफ्ते का हो जाता है तब देती है। जब हम सोनोग्राफी पेट के ऊपर से करते हैं, जिसे हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें यूजुअली बच्चे की धड़कन 7 हफ्ते पर दिखाई देती है, लेकिन अगर हम ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी यानी कि नीचे से सोनोग्राफी करते हैं, जिसे हम TVS कहते हैं, वह करते हैं, तो बच्चे की धड़कन 6 हफ्ते पे भी हमें पता चल जाती है। क्योंकि जो नीचे से जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो यूट्रस काफ़ी नज़दीक होता है, बीच में फैट की लेयर नहीं होती, इसलिए हमें ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है बच्चे की धड़कन के बारे में। जो ये बच्चे की धड़कन है, यह कभी कभी अगर ऐसा है कि 6-7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और दिखाई नहीं दे रही है तो हमें क्या करना रहता है? बेसिकली सबसे पहले तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि 6-7 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है तो बच्चे की धड़कन सुनाई देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिखाई दे रही है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे जो कॉमन कारण होता है कि बच्चे की आप सोनोग्राफी कराने गए, आपको लगा कि 6-7 हफ्ते हो गए हैं, डॉक्टर ने चेक करके देखा तो अंदर यूट्रस के अंदर बच्चा तो नज़र आया, यानी गेस्टेशनल सैक तो नज़र आया, लेकिन बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दी। तो उसका जो सबसे कॉमनेस्ट कारण होता है वह ये होता है कि ये एक डिलेड ओवुलेशन और डिलेड कंसेप्शन का केस है, यानी कि आपके केस के अंदर अंडा जो है वह लेट ही निकल के आया है, जैसे कि नॉर्मली अगर आपके 28 दिन की या 30 दिन की साइकिल है, लेकिन कभी कभी कोई साइकिल एक डिलेड साइकिल हो सकती है, यानी कि वो 35 दिन की या 40 दिन की साइकिल हो सकती है। ऐसे साइकिल्स के अंदर जो अंडा होता है वह थोड़ा लेट निकल के आता है, यानी कि अंडा निकल कर जैसे कि 14वें या 15वें दिन की जगह अगर 20वें या 22वें दिन पे अंडा निकल के आ रहा है तो ऑटोमेटिकली एक डिलेड कंसेप्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे की धड़कन होगी वो भी थोड़ा लेट ही आएगी। तो डिलेड ओवुलेशन हुआ यानी कि लेट अंडा निकल के आया और लेट कंसेप्शन हुआ, तो उसके कारण से आपको लग सकता है कि एक 6 से 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, लेकिन हो सकता है वह प्रेगनेंसी सिर्फ 5 हफ्ते की ही हो, इसलिए बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई दे रही हो, ऐसी सबसे कॉमन संभावना होती है। अगला कारण जिस कारण कि बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई देती है वह होता है कि कभी कभी यूट्रस जो होता है, बच्चेदानी जो होती है, वो रिट्रोवर्टेड होती है, यानी कि पीछे की तरफ टिल्टेड होती है, जिसके कारण कि सोनोग्राफी में थोड़ा सा नज़र आने की जो पॉसिबिलिटी होती है थोड़ी कम हो जाती है, देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा कॉमन कॉज कि बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई दे रही है वह ये होता है कि जो ये केस है यह है एक मिस्ड अबॉर्शन का केस है, यानी कि प्रेगनेंसी को तो एक्चुअली 7 हफ्ते हो चुके हैं, एक्चुअल वो 7 हफ्ते की ही प्रेगनेंसी है, लेकिन बच्चे की धड़कन आई ही नहीं है, बच्चे में किसी प्रकार का कोई जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी है, जेनेटिकल एरर है, जिसके कारण वो आगे ग्रो ही नहीं कर रहा है, यानी कि यह एक मिस्ड अबॉर्शन है, यानी कि पेट के अंदर ही बच्चा आगे ग्रो करना उसने बंद कर दिया है, उसकी पेट के अंदर ही मृत्यु हो गई है, और लेकिन कोई ब्लीडिंग है ऐसा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है जिससे कि पेशेंट को पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन का केस। तो कभी कभी इस कारण से भी बच्चे की धड़कन हमें नहीं दिखाई देती है। अगली कंडीशन होती है, फोर्थ कॉज जिसके कारण कि बच्चे की धड़कन नहीं दिखाई देती है वह होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है ही नहीं, वह ट्यूब्स या फिर ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि बच्चेदानी के अगर बच्चा अंदर अगर बच्चा होगा ही नहीं तो ऑब्वियसली उसकी धड़कन भी वहाँ दिखाई नहीं देगी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस के अंदर भी बच्चे की धड़कन दिखाई नहीं देती है।
अब अगर बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है तो हमें आगे करना क्या है? सबसे कॉमन काम जो डॉक्टर्स करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी मरीज आता है और अगर 6 हफ्ते मैं उसकी सोनोग्राफी करके देख रही हूँ और मुझे उसकी धड़कन नहीं मिल रही है तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करूँगी? मैं मरीज़ को 7 से 10 दिन बाद वापस बुलाऊँगी। 7 से 10 दिन बाद हमें यूजुअली कंडीशन क्लियर हो जाती है, क्योंकि अगर ये डिलेड ओवुलेशन का केस है, डिलेड कंसेप्शन का केस है, यानी कि लेट बच्चा ठहरा है, तो ऑब्वियसली 10 दिन बाद वह दिखाई देने लग जाएगी। अगर उस टाइम पे भी वह दिखाई नहीं दे रही है तो हमारे पास 2 कारण बचते हैं, या तो एक मिस्ड और रेट्रोवर्टेड यूट्रस, जैसा कि मैंने बताया कि पीछे की तरफ टिल्टेड यूट्रस है, तब उसके अंदर भी अगर हम 7 से 10 दिन बाद बुलाएंगे पेशेंट को तो वो दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन अगर ये मिस्ड अबॉर्शन का केस है, यानी कि बच्चा ग्रो कर ही नहीं रहा, तो 10 दिन बाद भी बच्चे की धड़कन नहीं आएगी। और अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है, यानी कि ट्यूब के अंदर बच्चा है, तो उस टाइम पे हमें ट्यूब के अंदर कोई थिकनिंग या ट्यूब के अंदर कुछ चीज़ नज़र आने लग जाएगी, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यह एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। तो जब हम मरीज़ को 7 से 10 दिन बाद वापस बुलाते हैं तो हमें यह क्लियर हो जाता है कि बच्चे की धड़कन किस कारण से नहीं आई और अब आ गई है या नहीं आई है। बच्चे की धड़कन को लेके बहुत बार पेशेंट्स को, और ये भी बहुत होता है, मैडम बहुत हाई तो नहीं चल रही, बहुत लो तो नहीं चल रही, चिंता की बात तो नहीं है? तो चलिए मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ कि बच्चे की धड़कन कितनी होती है। जब हम प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में चेक करते हैं तो बच्चे की धड़कन, जब यानी कि अप टू 9 वीक्स की प्रेगनेंसी तक बच्चे की धड़कन यूजुअली थोड़े कम की साइड में चलती है, 80 से 110। जी हाँ, ये कम है, हमारी धड़कन तो 70-80 ही होती है, लेकिन बच्चे की धड़कन ज़्यादा होती है, वो 120 to 160 की रेंज वाली होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 6 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चे की धड़कन होती है वह होती है 80 to 110 के बीच में। जी हाँ, थोड़ी कम होती है। फिर जब बच्चा 9 से 12 हफ्ते के बीच का होता है, 12-13 हफ्ते तक का, तब बच्चे की धड़कन थोड़ी बढ़ जाती है, वो होती है 140 to 170, यानी कि 140 से 170 बीट्स प्रति मिनट की धड़कन होती है बच्चे की। जब सेकेंड और थर्ड ट्रेमेस्टर स्टार्ट होता है, यानी कि 3 महीने ख़त्म हो चुके होते हैं, 4th महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में जो बच्चे की धड़कन होती है वह यूजुअली 110, 120 से लेकर 160 तक की होती है, 110 to 160 बीट्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपके बच्चे का दिल 110 से 160 बार धड़कता है। तो यह होती है बच्चे की धड़कन की रेंज। एक और चीज़ जो मेरे पास बहुत सारा कमेंट बॉक्स में सवाल आता है, पेशेंट्स तो इतना नहीं पूछते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में मैंने ये सवाल बहुत देखा है, मैडम धड़कन 110 है, लड़का होगा या लड़की होगी? तो एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, बच्चे की धड़कन कभी भी ये नहीं बताती है कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। जी हाँ, जब प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी है, 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तो भले वो लड़का है भले ही वो लड़की है, बच्चे की धड़कन 80 से 110 ही होगी। जब वह 9 से 12 के बीच का है तो वह धड़कन 140 से 160 के बीच की ही होगी। और जब प्रेगनेंसी लास्ट के 6 महीने वाली जो प्रेगनेंसी है उसमें बच्चे की धड़कन 120 से लेके 160 के बीच के ही होगी, भले ही वह लड़का है भले ही वह लड़की है। एक और चीज़, कभी भी बच्चे की धड़कन कांस्टेंट नहीं रहती, वह बदलती रहती है। एक बार चेक किया तो हो सकता है बच्चे की धड़कन 120 आ रही है, दूसरी बार चेक किया तो 140 आ रही है, तो घबराइए मत, वह चीज़ नॉर्मल है। बच्चे की धड़कन फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है। हाँ, एक जो पर्टिकुलर हमारे पास गाइडलाइंस हैं कि इससे कम या इससे ज़्यादा जो रेंज होती है वो ज़रूर फिक्स्ड होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चे की धड़कन से लड़का लड़की का पता चलता है, वह बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का ख्याल अपने दिमाग से आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। बच्चे की धड़कन आना या नहीं आना यह हमारे हाथ में नहीं होता है। एक और चीज़, कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं, मैडम हम क्या ऐसा खाएं कि बच्चे की धड़कन आ जाए, या क्या ऐसा खाएं जिससे कि बच्चे की धड़कन बढ़ जाए या कम हो जाए? तो देखिए, बच्चे की धड़कन वो उसके जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। हमारे खाने या पीने से बच्चे की धड़कन कम या ज़्यादा नहीं होने वाली है, तो उस चीज़ का भी विचार छोड़ दीजिए। अगर आपको बच्चे की धड़कन के बारे में, गेस्टेशनल सेक के बारे में, कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।